नाम लेकर आए। पहले तो तुम सारे मेरे वालों प्यार से सत श्रीकाल। मेरा नाम शमा अरोड़ा जुनेज है, एक टैरो कार्ड रीडर ते ब्रेकिंग हीलर हाँ। तो नाल ही नाल मैं काफ़ी फैशन बुटीक रन कर रही हूँ। तो मैं अमृतसर बहुत सारे टाइटल विन किए। तो मैं इतने एज अ जूरी मैंबर ईशान मीडिया हाउस वालों, जो कि अर्चना मैम ने इवेंट प्लैन किया, एज अ जज आई हाँ। तो मेरे लिए बहुत खुशी की गल है कि इतने अराउंड 200 लेडीज़ आ चुके हैं। तो हाले भी होर लेडीज़ ऑन अराइवल इतने अपने करवा रहे हैं, पास लै रहे हैं। असं तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो इवेंट बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत सारिया गेम्स हो चुकी हैं। तो हाले भी बहुत सारिया गेम्स पेंडिंग ने, तंबोला राउंड भी हो चुका है, तो एक रैंप वॉक भी हो चुकी है मिस एंड मिसिज की। तो इतने तुम बहुत सारे गिफ्ट भी स्पॉन्सर किए गए हैं। तो सारिया लिए कुछ ना कुछ इतने हर लेडी कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लैके जाएगी। तो असं जिदा इंजॉय कर रहे हैं, वो तुम भी इदा ही इंजॉय कर रहे हो गए। तो एज मैं तुम सारे एक मैसेज देना चाहती हाँ सारी लेडीज़ में अमृतसर की, कि तुम अपने उत्ते कॉन्फिडेंस रखो, अपने उत्ते विश्वास रखो। कोई नहीं तुम सपोर्ट कर रहा, तो तुम अपने आप में आपे सपोर्ट करो, तो अगे बढ़ो। तुम एक पैर अगे पुटोगे तो अगे बहुत सारिया अपॉर्चुनिटीज़ पाइं। जस्ट एक स्टैप लैन की देर है। एंड मैं एज ऑनर ऑफ माई बुटीक मैं आप एक स्टैप अगे फॉरवर्ड किया, बट बाय गॉड ग्रेस मैंने एक सपोर्ट मिली, जो कि मेरे मदर इन लॉ है। ऑलवेज मैंने सपोर्ट करते, हसबैंड तो सारे दे सपोर्टिव होंगे ही है, बट मेरे मदर इन लॉ मेरी बैकबोन है, ऑलवेज मैनू इनकरेज करते हैं। तो स्टिल अज भी वो इस इवेंट पर आए हुए हैं मेरे नाल, तो ऑलवेज मैंने कहें शमा यू जस्ट गो फॉर इट, मैं तेरे नाल हाँ। तो सारे आई एम लकी टू हैव सच मदर। तो थैंक यू ता सारिया का, तुम ऑलवेज मैंने सपोर्ट कर दो, तो आई होप अगों भी करते रहोगे। थैंक यू जी, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू, ऑल ब्यूटीफुल लेडीज। सब तो पहला ईशान मीडिया हाउस से अर्चना बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने ईवेंट कराया सी और बहुत वधिया ईवेंट गया सी। उहदी सक्सैस नूं देख के इस वारी फिर उन्होंने ये ईवेंट करवाया, और पिछली बारी नालों भी ज़्यादा वड्डा वेन्यू है, लेडीज़ भी ज़्यादा पहुँचियां ने, रिस्पोंस बहुत अच्छा है। और एक यही मौका होंदा है शहर दियां लेडीज़ नूं एक दूसरे नाल मिलन जुलन दा, पता लगता है कौन किस कोने तो आया हुआ है। सजन सवरन दा और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए पूरा दिन निर्जल रह के जो स्त्री व्रत रखती है, उसके टाइम किस तरह पास कराया जाए, इस तरह के इवेंट बिल्कुल होने चाहिए है, क्योंकि उन्होंने महसूस ना हो कि इस तरह आने तो सर टाइम मिनटों नाल बीत जाता है। सो इस तरह के इवेंट जिन्हें जिन्हें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे बहुत बहुत मेरा नाम मुस्कान कपूर है, मैं एंजल्स पैराडाइज और ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज एज अ स्पॉन्सर एंड पैनल ऑफ जज यहाँ पर आई हूँ। हर साल ईशान मीडिया हाउस के अर्चना ठाकुर बहुत सुंदर इवेंट का आयोजन करते हैं, जहाँ पर शहर की बहुत सारी लेडीज आकर पार्टिसिपेट करती है और ये शाम को मेमोरेबल बनाती है। आज भी बड़ी सुंदर तैयार होकर सारी लेडीज आई हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम बहुत सारे प्राइजेस दे रहे हैं, डिफरेंट टाइटल्स दे रहे हैं सभी को, और हर एक जो व्यक्ति यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है एक अश्योर गिफ्ट जरूर लेकर जा रहा है। मेरी सभी लेडीज को करवा चौथ की शुभ शुभकामनाएं मैं देना चाहती हूँ और सभी के लिए दुआ करती हूँ कि जिनकी शादी हो गई है उनकी जोड़ी हमेशा के लिए सलामत रहे, और जिनकी शादी होने वाली है उनको बहुत प्यारे जीवन साथी मिले। और इसी के साथ मैं आज की करवा चौथ की शाम सभी के लिए खूबसूरत साबित हो इसकी दुआएं करती हूँ। इवेंट पे पहुंचे जे करवा चौथ मौके की कहना चाहोगे, किस तरीके का इवेंट लगा? हाँ जी, आज का जो इवेंट है बड़ा ही खुशियां ते लाइट्स एंड ग्लैमर नाल भरिया हुआ इवेंट है। सो मेनी ब्यूटीफुल लेडीज आउट हियर, ऑल डेक्ड अप एंड लुकिंग ब्यूटीफुल। बहुत सारिया एक्टिविटीज ने, गेम्स ने इतने, एंड कोई गा रहा है,
ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਗਿਫਟਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਵੈਰੀ ਵਿਨ ਵਿਨ ਡੇ ਫੋਰ ਐਵਰੀਬਡੀ ਮੈਮ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫੋਰ ਹੈਲਥ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋ ਇਨ ਅ ਵੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਸੋ ਯੋਰ ਬਾਡੀ ਗੈਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਹੀਲ ਇਟ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਫਰਵਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਉਮੰਗ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਬੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਰੀਲੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਇਵੈਂਟ ਐਂਡ